देखो अभी हमने जैसे किया था ना सिमेट्री अलग अलग डिफरेंट शेप्स में कैसे होती है, तो अब हम करेंगे ए टू जेड। उसमें हमने ए और बी में देखा है। देखो ए में अगर हम इसको इमेजिन करो, ए है आपके पास कटिंग पेपर में, तो इसको आप कैसे टू पार्ट में इक्वल डिवाइड कर सकते हो? अगर हम इसको ऐसे वर्टिकल में स्टैंडिंग लाइन लगाए, है ना, तो इसमें हो गया वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं पूछूं कौन सी है, ये है हमारी स्टैंडिंग, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ऐसे बेटे बी में होगी, ये देखो ऐसे आपने ऐसे ड्रॉ करनी है, इसमें भी वन हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ मतलब कि इसका मतलब लाइन है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सी में वन, डी में वन, ई में वन, एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसमें कह सकते हैं जीरो। ऐसे जी में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब कि हम जी को किसी भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ना हम ऐसे कर सकते हैं ना हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, देन एच, एच को हम ऐसे भी कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट में, ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। आई में ऐसे भी होगी, ठीक है, इसमें भी टू है, जे में जीरो, के में भी, के में हो जाएगी एक वन, एल में जीरो, एम में वन, ठीक है बेटा। ऐसे आपने बाकी भी कर लेने, आपको मैं ये इसकी पिक सेंड कर दूंगी और प्रैक्टिस करना, आपको एग्जाम में ये आएंगे। तो आपने ध्यान से लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है, उसमें वन है या फिर टू है, ठीक है बेटा, ये सही रहा।